लेकिन उसको ये जो पदाधिकारी और नेता और माफियाओं का नेक्सस है, इसका क्या होगा? ये जो चारों संस्था मिली हुई है, पूरा का पूरा कल रात में जो पटना में दो बच्ची को फेंक दिया गया, ड्रग्स और नशा के कारण ही तो दोनों बेटी मर गई। पूरा हॉस्टल बच्चियों का त्राहिमाम है। किसी की बेटी, किसी की बहन इन कुकर्मियों से मंत्रियों के घर तक, कोठी तक, उसको हम कोठा कहते हैं, विधायक मंत्रियों का कोठा, वहां तक बच्चियों को भेजा जाता है। जांच करा लो ना, सीबीआई इंक्वायरी शेल्टर हाउस का हो रहा था, क्या हुआ, क्यों नहीं अभी तक ऊपर से नीचे तक जांच? फिर मालती गुप्ता, फिर इसमें जांच क्यों नहीं हो रही? यहाँ बच्ची के साथ बलात्कार हुआ बक्सर में, आप लोग पीछे से थोड़ा दूर रहिए, आप लोग ना सत्ता पक्ष गए ना विपक्ष गए। सत्ता पक्ष को वोट मिल जाती है कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बेचारा जो बच्ची है वो भय समाज से आती है, और जिसमें बलात्कारियों का नाम आया है वो अलग पार्टी के सपोर्टर सब कहे जाते हैं, तो विपक्ष को जाना नहीं है। सत्ता पक्ष को वोट मिल ही जाता है, विपक्ष का वोट अलग है, उनको बेटी के वोट से क्या लेना देना, उनको माँ या बहन के वोट से क्या लेना देना? जो नेता बेटी और बहन को जाति के आधार पर बायफर्केशन किया हो, बलात्कार और मर्डर भी जाति के आधार पर ये नेता तय करते हैं, पूछे जाते हैं कौन जाति, किस जाति की बेटी, किस जाति के लड़के, किस जाति की हत्या, किस जाति ने की, और समाज यदि मुखदर्शक हो जाए, कंप्लीट रूप से इतनी बड़ी घटना, चार पांच लड़के बलात्कार, हमने तो सोशल मीडिया पर देख करके मास्टर हो गए। सर, जिस कोने में होगा उस कोने से हम निकलवाएंगे। भगवान क्या, सरकार छोड़ दीजिए मोदी या लालू एंड नीतीश, सर भगवान भी नहीं बचा पाए पप्पू यादव से ऐसे लोग, उसे मरना होगा या उसे फांसी जानी। आम आदमी की बच्ची पप्पू यादव की बेटी है। कितना बड़ा भी रसूखदार बाप का बेटा क्यों नहीं होगा, उसको मरना होगा। हम नहीं बख्शेंगे। एक भी मंत्री, संतरी, विधायक जो शेल्टर हाउस में इन्वॉल्व होगा, उसे आज हो कल हो उसको फांसी पे चढ़ा के रखें। पार्टी से रिलेटेड आयोग है, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा बनाया हुआ आयोग है, ये आयोग निष्पक्ष नहीं है, और इस आयोग से हम बेटियों की न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स होगा, उसका बाप करेगा एफआईआर। इसकी औकात है एफआईआर नहीं करने की? क्यों नहीं किया एफआईआर? जस्ट आई लुक आफ्टर, उसके फादर कहां कहां गए मुझे मिलने तो दीजिए, उसके बाद एफआईआर नहीं होगा तो हम पैदल आके क्या करेंगे, या तो हम मरेंगे या तो एफआईआर होगा। कोई बात, या तो पप्पू यादव रहेगा या तो एफआईआर। बहुत क्लियर, आप वहां तो चलिए हाथ जोड़ते हैं। विधायक, मंत्री, पदाधिकारी, रसूखदार के बेटे इन्वॉल्व है, और ऐसो आराम की जिंदगी, चूंकि शेल्टर हाउस की बेटी बहन का ना कोई माँ है, ना बाप, ना दोस्त, ना भाई, पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व है और नेता तक परोसे जाते हैं, इसमें सीबीआई, हाई कोर्ट के जज के मॉनिटरिंग में इसकी जांच की मांग करते हैं। समाज कल्याण विभाग का अधिकार तो कर रहे, कुछ हुआ ही नहीं है सर। ये चोर चोर मौसेरे भाई, सीबीआई इंक्वायरी कर दो ना, हाईकोर्ट में जा रहा हूँ। समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारी से बड़ा भ्रष्ट, इससे बड़ा चोर, इससे बड़ा चरित्रहीन कोई है क्या?
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।